चलिए जी संगत जी, आपको लेकर चलूं मैं आज नानक नगर सत्संग में। और सत्संग की शुरुआत संगत जी हम करेंगे मेरी प्यारी जोता वाली माँ, शेरा वाली माँ, लाटा वाली माँ, भावे वाली माँ के जयकारे के साथ। जयकारा मेरी माँ शेरो वाली दा बोल सांचे दरबारी की जय। आज प्यारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी गुरुजी का दरबार सजाने की सेवा गुरुजी ने बख्शी है, तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका, हर पल शुक्राना। और संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, जिसमें मुझे एक बच्ची ने बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी है। और उसके बाद जब घर पे आई हूँ तो जो गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं वो भी इसमें है। तो संगत जी इसीलिए कहती हूँ पूरा सत्संग देखा करिए, क्योंकि प्यारी प्यारी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग जब तक आप पूरी नहीं देखते तब तक आपका जो सत्संग देखना भी कंप्लीट नहीं होता, ब्लेस नहीं होते आप। इसीलिए संगत जी सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़ा करें, बिल्कुल पूरा सत्संग देखा करें। पूरा सत्संग देखने से आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिलती है। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ही गुरुजी महाराज के इस चैनल को, जिसका नाम है जम्मू दी आंटी अनुराधा ब्लॉग्स, को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी दबा ले, ताकि जितनी भी गुरुजी महाराज जी की कृपाएं जम्मू शहर में बरस रही हैं या जम्मू के बाहर कहीं भी देश में विदेश में जहां भी बरस रही है वो सब मैं आपके साथ साझा कर सकूं। तो प्यारे गुरुजी महाराज आ गए हैं संगत जी। संगत जी यूं ही नहीं इतने लोग इतनी संगते गुरुजी के दरबार में आते हैं, कुछ तो बात है ही हमारे गुरुजी में कि अपना इतना कीमती समय छोड़कर जो संगते गुरुजी महाराज के पास बैठती हैं। और बैठे भी क्यों नहीं, क्योंकि गुरुजी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करते हैं, हमें मोक्ष को प्राप्ति कराते हैं, हमें और एक सदमार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें रास्ते दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं हम नास्तिक से आस्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे मन में दया भाव आ रहे हैं, हमारे मन में दूसरों के प्रति मान सम्मान आ रहा है। तो इतने प्यारे गुरुजी इस घोर कलयुग में जब हमें मिल गए हैं तो इस कलयुग से वो हमारी रक्षा भी करेंगे। अपने गुरुजी को अपना साथी बना लीजिए, अपना सच्चा सारथी बना लीजिए, अपना माँ प्यो बना लीजिए और कोई भी रिश्ता उनसे कायम कर लीजिए और हर दुख सुख उनसे शेयर कीजिए। देखिएगा कैसे आपकी ज़िंदगी बदलेगी और कैसे बनेगी आपकी बात। जिन्होंने ज्यादा गर्मी खाई है ना, जिनके पसीने छूटी है, यकीन मानिए संगत जी आज उनकी किस्मत पलटेगी। आप खुद घर जाके कहोगे कि नहीं गुरु का सत्संग अटेंड करके आया, आज हमारी लाइफ में कुछ हुआ है, चेंज होएगा पक्का, अब देखिएगा। और ये जो जिनके पसीने ने छूटे वो मत समझना कि हमारे नहीं होंगे, बात तो गुरु जी सभी के ही बदलते हैं जब हम सत्संग अटेंड करते हैं। तो इसलिए सत्संग में आने का मौका मिले तो कोशिश करें समय से आए, है ना। तो चीज़ें भी हमें तभी फील होती है गर्मी सर्दी जब हम फील करते हैं। जब तक मैं भी फील कर रही थी तो गर्मी लग रही थी, लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान में गुरु जी के लगाया, पता नहीं सच्ची यकीन माने संगत जी, हवा आना शुरू हो गई, ठंडी ठंडी हवा। और गुरु जी का ये दुपट्टा हिल रहा था, पता नहीं संगतों ने देखा कि नहीं, ये दुपट्टा भी गुरु जी का हिल रहा था। तो गुरु जी साक्षात इसमें ना विराजमान होते हैं, किसी ना किसी रूप में हमें दिखते हैं वो। शुक्राना उस परिवार का जिन्होंने आइए मिलजुल कर ये सत्संग की सेवा बख्शी हमें भी, और इस काबिल बनाया कि बाकी की संगतों को, मैं कहती हूँ उनके भी इन्होंने बाग खोलने हैं। तो उषा आंटी आप सब आंटियों का शुक्राना, आपने इतने प्यारा ये सत्संग सेवा सिमरन आज जो कराया है। और मेन बात आज जितनी भीड़ थी ना उतना ही डिसिप्लिन भी था, और ये सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि अकेले सेवादारों से संगति कुछ भी नहीं होता। जहाँ कुछ गलत होता है तो सेवादार से ही उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब हम सब ही एक हो जाएंगे, क्योंकि सेवादार और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब गुरु संगते हैं, लेकिन जब हम मिलके गुरु जी के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि कोई उंगली उठा सके, है ना। तो हमें गुरु जी की संगत बन के आना है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ना कि एक दूसरे की कम्पीट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के लिए आना है और उनके सेवक बन के। और हमेशा क्या ना कि गुरु जी हमें अपने चरण कमलों में जगा दो। जय गुरु जी, जय 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 जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, बाबा गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
किया आपका लख लख शुक्राना। तो आंटी जी आओ, आप भी चलो। क्या गुरु जी महाराज की आशीर्वाद एक मुझे दिया है, सभी को ही है, हमारा सभी का आशीर्वाद है। तो शुक्राना क्या करूं, मेरे पास शब्द नहीं होते, क्योंकि गुरु जी यही कुछ देते हैं मेरे को। आपने इतनी मेहनत से बनाया, इसका लख लख शुक्राना। कितने दिन लगाए इसे बनाने में? 2 दिन। दो दिन उस बच्चे ने मेहनत करी है। लंगर प्रसाद शुरू कर दो, बस ये फैमिली का शुक्राना, आंटी शुक्राना कर दो। तो संगत जी, प्यारी बच्ची ने ये बड़ा ही एक ऐसा तोहफा दिया है कि इन चीज़ों के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। और शुक्राना गुरु जी, बस यही कहूँगी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में ये पहले विराजमान था और पूरा ब्लस होकर घर जाएगा। तो शुक्राना गुरु जी। तो आइए आंटी, आप ही शुक्राना कीजिए। आओ दोनों जी, जो थोड़ी आज माइक खराब हो गई है, जो से बंदा आंटी आप लंगर प्रसाद कराओ। शुक्राना। मैं किसी के कभी सत्संग गई थी, गुरु जी की इतनी कृपा हुई है कि मुझे पता भी नहीं चला। मैंने कहा गुरु जी मैं सत्संग करेगी, वो आप संभालो, मुझे भी नहीं पता। तो गुरु जी ने मेरा सत्संग बहुत अच्छा, मैं यही कहती हूँ कि गुरु जी ने मेरा सत्संग बहुत अच्छे से किया। तो मैं गुरु जी का शुक्रगुजार करती हूँ। तो इतनी सारी संगतों को गुरुजी ने संभाला है, ये देखो संगत जी पूरा हॉल भरा हुआ है। तो सारे गुरुजी के बच्चे हैं और इन सभी बच्चों को संभालने वाला एक ही शख्स है, वो है हमारे गुरुजी, जिन पे हम अपने जीवन की डोर फेंकते हैं और विश्वास करते हैं। और यकीन मानिए गुरुजी इतनी बरकत डालते हैं, हमने खुद पिछली बार इन आंटी के घर पे देखा था और वो एक चमत्कार से कम नहीं था हमारे लिए। तो गुरुजी आते हैं, लाज गुरुजी को सौंपो, दुनिया के हाथों में अपनी लाज नहीं दो, ठीक है? तो रोना नहीं है। तो लंगर प्रसाद से शुरू करा दो, दो लाइनें हो जाए। आप कौन कहता शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के लिए मैं क्या बोलूं, जब भी मांगती हूँ, जो बात भी बोलती हूँ, वो पहले ही हाजिर होते हैं। एक बार की बात है कि मैं घर में थी तो मेरी सिस्टर बीमार हो गई, तो मैंने अपनी दीदी की बेटी को बोला कि दीदी का क्या हाल है, कहते उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। फिर मैं गुरुजी के आगे यही अरदास की कि दीदी को ठीक करना। तो थोड़ी देर के बाद मैंने फिर वो फ़ोन किया, मैं कह क्या हाल है दीदी का, कहती वो आईसीयू में पहुंच गई हैं। बड़ा लगा, मैं कह गुरुजी आप तो कहते हो कि मैंने ठीक कर दिया। तो गुरुजी कहने लगे कि मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, तेरी बहन तो ठीक है। थोड़ी देर के बाद गुरुजी को फिर सिस्टर की बेटी को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हाल है एकता दीदी का, कहती वो आईसीयू में बाढ़ में आ गई है। जय गुरु, जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु, जय गुरु। तो शुक्राना सारी संगत का साथ देने के लिए, क्योंकि जब संगतें और सेवादार इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो गुरु जी बहुत खुश होते हैं। क्योंकि संगत जी जब सेवादार आपको समझाते हैं ना, तो वो आपकी भलाई के लिए समझाते हैं कि आप 2 घंटे का टाइम लेके आए हो, है ना, कितना कीमती टाइम है। तो अगर आप यहाँ आके गुरु चरणों में ही नहीं लगाओगे, टेंशन में रहोगे, तो फिर क्या फ़ायदा घर से आने का। तो इसलिए जितना भी कभी आपको मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय गुरु चरणों में लगाएं। इधर उधर की बातों को भूल जाए, उसने क्या पहना है, क्या खा रहा है, क्या हो रहा है, सब भूल जाए। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से कनेक्शन बनाए। गुरु जी बार बार एक ही बात कहते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन। तो डायरेक्ट कनेक्शन तभी बनता है जब आप सब कुछ भूल के एक ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं, यहाँ आपको अपने और गुरु जी के अलावा तीसरा कोई दिखता ही नहीं। और तोहफा है ये, गिफ्ट नहीं होता। इसने बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग दे दी, लिखा हुआ है इस पे मिनी गिफ्ट फॉर यू, गिफ्ट फ्रॉम पूजा गुरु जी की बेटी ने, गिफ्ट फॉर प्यारी गुरु जी की बेटी, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी प्यारी ब्लेसिंग इस गुड़िया के हाथों से पाकर मैं तो धन्य ही होगी। और जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स भी था, जिसके अंदर 2 ब्लेसिंग्स थी, है हाथ वाली ब्रेसलेट्स, और साथ ही में एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा हुआ था गुरु जी की प्यारी बेटी लक्की फॉर एवर। तो ये मुझे ऐसे लगा जैसे गुरु जी ने मुझे आज कोई प्राइज़ दिया है, फिर से इनाम दिया है।
और ये टाइटल दिया है क्योंकि गुरु जी हमेशा जब भी खुश होते हैं मुझे कोई ना कोई संगत जी इनाम जरूर देते हैं। और जब ऐसी चीजें आप देखते हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और संगत जी अभी सत्संग मेरा खत्म नहीं हुआ, इसके आगे क्या हुआ जब मैं ये ब्लेसिंग घर लेके गई हूँ वो भी आप देखिएगा कि मैं वो भी इसमें वीडियो जोड़ूंगी तो देखिएगा कैसे इसमें मेजर चेंजेस आ गई। घर जाते इस ब्लेसिंग में रास्ते में ही आ गई थी एक्चुअली, जब हम ऑटो रिक्शा में बैठे थे तो वो क्या ब्लेसिंग में चेंजेस आई हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ आगे, पूरी वीडियो देखिएगा संगत जी। थैंक यू, इसको कैप्चर किया जाए भाई, इसने मेहनत करी है सारी ये। तो कल जैसे हम छतरपुर के लिए जा रहे थे ना ऑटो में बैठे हुए थे तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरे भगवान गुरु जी की दया से ना हमें भी ना कहीं मोर के दर्शन हो जाए। हमने बड़े अच्छे से वहाँ पे दर्शन किए, वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया और जैसे ही हम वापस आए ना गाड़ी का वेट कर रहे थे तो मेरे बेटा बोलता मम्मा यहाँ पे ना मोर की आवाज़ आ रही है। मैंने यहाँ कहाँ मेरे को मोर मिल रहे हैं, तो वहाँ पे ना रोज की इतनी प्रेगनेंस हो रही थी, मैं कहा इधर कहाँ हो रही है, इधर कहाँ गुरु जी आएंगे। जब बोलता मम्मा ऊपर देखो, मैं को ऊपर देखा गया पेड़ के ऊपर इतने बड़े गुरु जी बैठे हुए थे वहाँ पे मोर के, मेरे को दर्शन हुए। फिर हमने दर्शन किए मोर के रूप में किए। तो फिर शाम को जब हम घर में आने लगे तो हमें ना गाड़ी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, 8 बज गए कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो फिर उसके बाद ना मेरे हस्बैंड बोलते हैं सीट्स वगैरह ले दूसरी ले लेते हैं, मैं कहा नहीं छोटा बच्चा साथ है चलो स्लीपर्स वगैरह ही लेनी है। तो कहते चलो वेट करते हैं। फिर हम बड़े ज़्यादा परेशान हो गए, मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई, मैं कहा गुरु जी फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, बच्चा भी साथ में है, कुछ ज़्यादा परेशानी ना हो, टाइम भी बड़ा ज़्यादा हो रहा है। इतनी देर में ना एक अंकल आए, उनके सिर में बाल बिल्कुल नहीं थे, तो वो हमें हमारे पास आए तो बोलते इतने परेशान क्यों हो। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं फ़ोन कर रहा हूँ किसी को, गाड़ी का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। वो बोलते परेशानी हो जाओ आप मेरे साथ आओ। तो चलो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आपको पता है ये कौन है, कहते कौन है, कहते हाँ मैं समझ गया ये गुरुजी ही हैं, ये देखो उनके भी सिर पे बाल नहीं है, ये गुरुजी हैं उन्होंने ही भेजा है। तो उन्होंने बड़े अच्छा हमारा गाड़ी का अरेंज किया और बड़ा अच्छा हमें गाड़ी वगैरह मिल गई, तो हम बैग भी उसमें तो सुबह तक पहुँच गए। तो गुरु जी आते हैं वो करते हैं बहुत कुछ करते हैं, वो गुरु जी साथ देते हैं। जय गुरु जी किसी भी रूप में आते हैं, आते हैं गुरु जी। आज का मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंट जो मुझे गुरुजी ने दिया है, ये मेरा इनाम है जो कि गुरुजी ने एक बच्ची के हाथों मुझे दिलवाया है, उषा आंटी की बेटी ने दिया है, जो कि नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है, उसने अपने हाथों से ये सारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लगा के बहुत ही प्यारा स्वरूप मेरे लिए बना के तैयार की है संगत जी। और बहुत ही मेहनत की है उस बच्ची ने और इस स्वरूप पे हुआ है बहुत ही बड़ा चमत्कार संगत जी। इस ब्लेसिंग को देखते ही देखते इसके ऊपर इतना बड़ा चमत्कार संगत जी हो गया। ये देखिए गुरु जी की गोदी में, ये जो आप देख रहे हो संगत जी बिल्कुल एक शेडो से दिख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई गोदी में गुरु जी के लेटा हुआ है और गुरु जी अपनी गोदी में लिटा के अपनी बच्ची को बोल रहे हैं कि नहीं बच्ची मैं हर पल तेरे नाल हूँ। और गुरु जी की बाजू पे ओम भी दिख रहा है संगत जी, ये देखिए मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये देखिए संगत जी कितना प्यारा ये शेडो सा बना हुआ है जिसमें वो गुरु जी की भी शक्ल दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है गुरु जी के साथ गुरु जी हैं। और मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे मैं गुरु जी की गोदी में लेटी हूँ, गुरु जी मेरी सिर पे अपना हाथ रख रहे हैं। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। ये गिफ्ट नहीं है, ये बड़ा ही अनमोल तोहफा है मेरे लिए और ऐसी चीज़ों को मैं पूरी ज़िंदगी संभाल के रखूँगी। गिफ्ट फॉर अनुराधा आंटी, शुक्राना प्यारी बच्ची। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आज एक नहीं दो दो ब्लेसिंग गुरुजी महाराज ने दी है। शाम को जब गुरुजी महाराज जी की कक्षा चलती है लाइव, तो उसमें भी गुरुजी महाराज जी की ये तितली ने मुझे लाइव में आकर ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा साथ देने का शुक्राना। मैं आपकी बच्ची नादान हूँ और इस दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानती कौन अपना है कौन पराया, तो हर एक उस पराए से अपना बनाने का शुक्राना और अपनों को और अपना बनाने का शुक्राना और सदैव अपनी बेटी की रक्षा करने का शुक्राना। शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, ये बटरफ्लाई लगी थी नकली वाली और गुरु जी ने कहा तू असली वाली ले ले। गुरु जी